खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज जितेंद्र मान की ग्रेटर नोएडा की एवीजे व्हाइट सोसाइटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद 48 घंटे तक शव फ्लैट में पड़ा रहा। उनके सिर और पीठ में 4 गोलियों के निशान मिले हैं। मोबाइल ऑफ होने के चलते दोपहर में जितेंद्र का चचेरा भाई फ्लैट पर पहुंचा तो वारदात का पता चला। कमरे से शराब और कोल्ड ड्रिंक की बोतल, एक खाली ग्लास बरामद हुआ है। फ्लैट की चाबी और मृतक का मोबाइल गायब है। एक युवती और कुछ लोगों पर शक जताया जा रहा है। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र मान जीटा वन स्थित एवीजे व्हाइट सोसाइटी के H606 नंबर के फ्लैट में रहते थे। वो जूनियर और सीनियर कैटेगरी में रसिया, क्यूबा, फ्रांस व उज्बेकिस्तान में मेडल जीत चुके हैं। फिलहाल वो एयरफोर्स में तैनात थे और इन दिनों छुट्टी पर चल रहे थे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एपीएन की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस घटना की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज जितेंद्र मान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यहां आकर मौका मुआयना किया गया। इनका नाम था जितेंद्र मान, ये जिम ट्रेनर थे कासना क्षेत्र में एक जिम में, और इनके परिजन आ गए हैं। परिजन से बात करी जा रही है। पिछले 2 दिन से, जितना अभी तक समझ आया, पिछले 2 दिन से देवर अनट्रेसेबल बाय फैमिली। तो आज परिजनों ने आकर घर पे आके चेक किया तो जिनके पास चाबी थी उन्होंने जब खोल के देखा तो अंदर उनकी डेड बॉडी लगी हुई थी। ये मामला ऐसे फिर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और हम लोग